नमस्कार जी, मैं मलविंदर कौर, वेलकम टू माय नेचर गार्डन। आज मैं एक प्लांट को अपने पॉट में शिफ्ट करने जा रही थी, उसे रीपॉट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपसे जो है ये वीडियो मैं आप शेयर करूं। और आप ये मेरा प्लांट देख के समझ ही गए होंगे कि ये मेरा आज सिंगोनियम ग्रीन प्लांट के को मैं आज अपने इस प्लांटर में शिफ्ट करने जा रही हूँ। बहुत ही ये अच्छा प्लांट है सिंगोनियम, और कई नामों से इसे जाना जाता है, एरोहेड प्लांट। ये एरेशिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये मेरे पास जो है ड्वार्फ वैरायटी का सिंगोनियम है, और एक मेरे पास जो है दूसरी वैरायटी का भी है जिसकी थोड़ी स्टेम्स हैं जो वो लंबी हो जाती हैं। और ये और एक पिंक कलर का भी इसमें सिंगोनियम आता है जिसे चार्मिंग सिंगोनियम बोला जाता है। और अगर हम इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो इसे एरोहेड वाइन बोला जाता है, फिलोडेंड्रॉन और गूसफुट, अफ्रीका एवरग्रीन, अमेरिका एवरग्रीन, काफ़ी इसके जो है कॉमन नेम्स जो इसके लिए जाते हैं। और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो सिंगोनियम पोडोफाइलम नाम है इसका, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो हमेशा इसे एक सरल भाषा में सिंगोनियम का प्लांट ही बोल देते हैं, सिंगोनियम ग्रीन प्लांट ही बोल देते हैं, या एरोहेड प्लांट बोल देते हैं। इसकी जो प्रोपोगेशन है बहुत ही इजी होती है, इजी वे से इसकी जो प्रोपोगेशन है कटिंग से हम लोग कर सकते हैं। और जब ये तैयार हो जाते हैं तो इसकी जो है आगे आगे डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। ये देखो मेरे पास एक सिंपल ही मैंने एक मेरा जो कंटेनर तो ख़राब सा हो चुका है, एक प्लास्टिक का कंटेनर था मेरे पास वेस्ट ही, उसमें मैंने लगा दिया था। और ये मेरे पास एक नीचे एक मैंने उसमें पॉली बैग जो है सिंथेटिक वाला, उसमें एक मिट्टी ली और उसमें ही मैंने एक इन इस प्लांट को डिवाइडेशन करके लगा दिया था। और ये देखिए आगे ये बहुत सारे ये प्लांट हैं मेरे बन चुके हैं। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरे एक दो ये तीन बहुत सारे ये मेरे प्लांट जो हैं बन चुके हैं। और आज मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूं। बहुत ही इसका जो है कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और सुंदर प्लांट है इसका। और इसकी जो रूट्स हैं देखो एक दूसरे के साथ बहुत ही उलझी सी पड़ी हैं, और हम इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास जो है अलग हो जाएगा प्लांट, तो मैं इसे ऐसे डिवाइडेशन से लगा दूंगी। ये मेरे पास और भी कई प्लांट जो हैं बन जाएंगे। देखिए धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, इंडोर प्लांट है। अगर हम इसकी केयर की बात करें, कोई ख़ास केयर नहीं है इसकी, और इसे हम आराम से लगा सकते हैं। और इसकी सनलाइट की बात करें, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रह सकता प्लांट ये, और इसे नॉर्मल शेडेड जो है धूप की ज़रूरत होती है। अगर ये पूरी हीट में रह जाए तो इसकी जो लीव्स हैं ग्रीन वाली ये बर्न हो जाती हैं, साइड से लीव ख़राब हो जाती हैं इसकी। ये देखिए ये रूट एक दूसरे में बहुत ही उलझ चुकी हैं, लेकिन मैं ये आराम से अलग कर लूँगी। ये हाँ ये ऐसे मेरा ये देखिए इससे भी मेरे ये एक दो और तीन, ये तीन जो मेरे हैं प्लांट बन सकते हैं, लेकिन मैं इसे तीनों को एक ही उसमें लगाऊँगी ताकि ये मेरा जो प्लांटर छोटा सा मेरा ये प्लांटर है ये इसमें थोड़ा बुशी सा रहे और आगे आगे इसकी जो ग्रोथ है होती रहे। इसकी ग्रोथ बहुत ही ईजीएस्ट हो जाती है, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। इसमें बहुत सारे ये मेरे होल हैं ये देखिए, और इसको मैं मेरे पास एक वेस्ट सा ये क्लॉथ पड़ा है तो मैं इसे नीचे रख दूंगी ताकि इसकी जो सॉइल है वो नीचे ना जा पाए। तो उसके बाद मैं इसमें जो है थोड़ी अपनी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी डाल लूँगी, थोड़ी मेरे पास ये लीव्स पड़ी हैं, मैं थोड़ी लीव्स भी डाल दूँगी इसमें। वैसे तो बहुत छोटा पॉट है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, और फिर भी मैं थोड़ा इसमें डाल ही दूँगी ये थोड़ी लीव्स हैं ताकि इसको
खाद भी मिल बन जाए इसका, और इसको थोड़ी अच्छी जो इसके अच्छी इसको नीचे से पावर भी मिलती रहे, खाद बने तो अच्छा अगर जाता रहे ये प्लांट, बहुत ही इजी टू हो जाता है प्रोपोगेट। और इसमें मैं ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, इसे मैं ज़रूर लगाने। एक प्लांट से ही हमारे कितने प्लांट बन जाते हैं, बहुत से कलर्स में आते हैं। ये देखिए इसकी न्यू लीव्स, जो न्यू शूट्स हैं वो निकल रही हैं आगे आगे। ये बस ऐसे ही हमने रख देना है, इसकी जो रूट्स हैं उन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ ऐसे ही रख देंगे ताकि इसको कोई भी नुकसान ना हो। और मैं साइडों में थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी इसके। सॉइल इसकी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी नॉर्मल सॉइल, कोई ज़्यादा इसकी सॉइल का भी वो नहीं है कि मिक्स जो हमारे दूसरे प्लांटर्स में यूज़ होती है तो हम उसको इस प्लांटर में यूज़ कर लेंगे। ये मेरा प्लांटर ही बहुत छोटा है, इसमें मैंने वैसे ही लगा दिया, लेकिन अगर मैं मेरे पास और भी हैं तो मैंने और प्लांटर्स में इसे शिफ्ट कर लेना है। और साइड से मैंने लीव्स डाली, इसे अच्छे से मैं दबा दूँगी ताकि ये नीचे बैठ जाए और मेरा ये प्लांट है जो नीचे गिरे नहीं। और साथ में इसके जो है मैं और सॉइल डालती रहूँगी, इसके पानी नहीं रुकना चाहिए इसमें। और जो नीचे होल हैं उन्हें हम कपड़े से बंद कर देंगे और ऐसे इसे लगा देंगे। ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, इजी टू ग्रो है, इसकी प्रोपोगेशन कटिंग से भी हो जाती है। अगर हमने इसकी कटिंग लेनी है तो इस प्लांट के नोड से हम कटिंग लेते हैं और इसको लगा देते हैं बस। और तो इसको कोई ज़्यादा नहीं पानी इसमें रेगुलर एक बार पानी देना है इसको, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा गर्मी है तो इसको, वैसे एनुअल प्लांट है ये, पेरिनियल प्लांट है ये, चलता ही रहता है, ख़राब नहीं होता, बस इसकी थोड़ी सी संभाल करनी पड़ती है हमें कोई ज़्यादा। ये था मेरा इस सिंगोनियम पे मेरा रिपोर्ट करने का छोटा सा मेरा वीडियो, जो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस खूबसूरत से प्लांट को ज़रूर उगाएं, इंडोर भी रख सकते हो आप, और बस थोड़ा उसमें थोड़ी धूप लगती रहे उसमें, वहाँ पे हम उसको रख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसकी केयर नहीं है। वाटरिंग हमने रेगुलरली देनी है और ये छोटे से पॉट में ग्रो हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं। अगर आप बड़े पॉट में भी इसे शिफ्ट करना चाहो तो ये बहुत बुशी प्लांट बन जाता है, बहुत अच्छा है। इसे एवरग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लीव्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, ये थोड़ी वेरीगेटेड सी लग रही है प्लांट, जो साइड से जो है डार्क ग्रीन है, बीच में ये थोड़ी लाइट कलर की है, बहुत अच्छी इसकी लीव्स हैं। आप इसे ज़रूर ग्रो करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और इतना ही कहते हुए एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ फिर से और आपसे मिलूँगी, तो इतना कहते हुए नमस्कार जी, सत श्री अकाल।